हेलो दोस्तों, पटियाल सक चैनल की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। सो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपकमिंग वन प्लस 8 सीरीज के एक स्मार्टफोन के बारे में, जो कि है वन प्लस का 8। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इसी वन प्लस 8 के कन्फर्म स्पेसिफिकेशंस के बारे में, इसके प्राइस के बारे में साथ साथ जानेंगे इसी वन प्लस 8 स्मार्टफोन की ऑफिशियल लॉन्च डेट के बारे में। सो इस वीडियो में आगे बन रहें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो ज्यादा बोर ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज की वीडियो को शुरू करने से पहले आज की वीडियो का लाइक एम रखते हैं हम 10 लाइक्स का, और आई होप आप ये पूरा करवा दोगे। सो गाइस, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कल शाम को हमने वन प्लस 8 प्रो के सारी कंफर्म स्पेसिफिकेशन और प्राइस आपको बता दी है। वो वीडियो आप इसके कार्ड से ऐसा नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूं या कमेंट में भी लिंक दूंगा, आप वहां से कहीं से भी जाकर वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। सो ये है वन प्लस 8 का फर्स्ट लुक, जो कि अप्रैल के महीने में ही लॉन्च होने वाली है। अब बात कर लें इस फोन के कन्फर्म स्पेसिफिकेशंस की। सो इसमें आपको 6.55 इंचेस की एक फुल एचडी प्लस वाली फुल ओएलईडी एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है, जो कि होने वाली है एक 90 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले। बात कर लें कि जो आपको वन प्लस 8 प्रो देखने को मिलेगा, वहां आपको 2K ओएलईडी डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जो कि आने वाली है 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश के साथ। वहीं पर आपको जो वन प्लस 8 देखने को मिलता है वो सस्ता भी देखने को मिलेगा, इसलिए आपको यहां पर 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश देखने को मिलता है, साथ साथ फुल एचडी प्लस की एक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है। अब बात कर लें इस फोन में भी आपको पंच होल डिस्प्ले ही देखने को मिलेगी, जैसे कि आपको वन प्लस 8 प्रो में देखने को मिली थी। साथ साथ इसका जो चेंज होने वाला है वो होने वाला है रियर कैमरा में, जहां पर आपको जो रियर कैमरा है वहां पर आपको 48 मेगापिक्सल के ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिलेंगे, जो कि प्राइम सेंसर होने वाला है सोनी IMX 582, जो कि 48 मेगापिक्सल होगा, प्लस एक 16 मेगापिक्सल का आपको टेलीफोटो लेंस प्रोवाइड किया जाएगा, साथ साथ 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर भी प्रोवाइड किया जाएगा। अब बात कर लें इसके सेल्फी कैमरा की, तो इसमें आपको सेम वन प्लस 8 जैसी ही आपको वन प्लस 8 प्रो जैसी 16 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलेगी। इसमें आपको 4300mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, साथ साथ 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग आपको ये फोन सपोर्ट करता है, और आपको इनबॉक्स भी 30 वॉट का फास्ट चार्जर प्रोवाइड किया जाएगा, और 10 वॉट की इसमें आपको रिवर्स वायरलेस चार्जिंग और 30 वॉट की वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। AMOLED डिस्प्ले होने की वजह से इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिलेगा। साथ साथ इस फोन की जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो होने वाली है वो वन प्लस 8 प्रो से थोड़ी कम होने वाली है, जो कि होने वाली है सिर्फ और सिर्फ 88.69% की। अब बात कर लें इस फोन में आपको लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 865 वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि आपको वन प्लस 8 प्रो में देखने को मिलता है। पर ऐसी लीक्स बता रही है कि जो वन प्लस 8 होने वाला है वो आपको शायद से 5G ना भी देखने को मिले, पर मैं आपको बताता हूँ कि एक लीक जो है वो झूठ है। आपको वन प्लस 8 जो है वो जो है 5G ही देखने को मिलेगा। साथ साथ अब बात कर लें वन प्लस 8 के वेरिएंट्स की, तो इसमें आपको 8GB 128GB से लास्ट तक आपको 8GB 256GB तक के वेरिएंट्स देखने को मिल जाएंगे। अब बात कर लें कि क्या प्राइस होने वाली है वन प्लस 8 के बेस वेरिएंट की, जिसमें कि आपको LPDDR5 वाली रैम UFS 3.0 की स्टोरेज का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। सो प्राइस बताने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को कभी मिस ना कर सकें। सो अब बात कर लें कि 8GB जो 120GB वाला वेरिएंट होगा वो आपको कितने प्राइस में देखने को मिलेगा। ये जो 128GB और 8GB रैम वाला वेरिएंट देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलने वाला है 39,999 में, तो मतलब आपको 40,000 रुपये में वन प्लस 8 देखने को मिलेगा, जिसका 8 बेस वेरिएंट 8GB 128GB होने वाला है। वहीं जो सबसे ऊपर वाला वेरिएंट होगा, जो कि होने वाला है 8GB 256GB, उसकी जो प्राइस होने वाली है वो आपको 45,000 के आसपास देखने को मिल सकती है। वहीं जो 6GB 128GB होगा वहां पर आपको जो प्राइस देखने को मिलेगी वो 36,999 देखने को मिल सकती है। सो अब बात कर लें कि ये फोन कब लॉन्च हो रहे हैं, तो ये फोन 14 अप्रैल को इंडिया में रात को 8:30 बजे लॉन्च हो जाएंगे। सो अगर आप लाइव स्ट्रीम देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।